समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें इन दिनों कम होती नजर नहीं आ रही। उनके खिलाफ अब जमीन कब्जाने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। बीते कुछ दिन में सपा सांसद के खिलाफ अब तक कुल 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को परिवर्तन निदेशालय ने आजम खान पर कार्रवाई की थी। ईडी ने आजम पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के जरिए दर्ज की गई 26 एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी और आजम खान पर किसानों की जमीन हड़पने के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद ताजीन फातिमा ने जौहर यूनिवर्सिटी में एक पत्रकार वार्ता बुलाकर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला यह है कि जिन इल्जामों को लेकर यूनिवर्सिटी पर छापामारी की पुलिस और प्रशासन ने, वो इल्ज़ाम बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं। और किसी भी शिक्षण संस्था में घुसते समय कोई भी हो, पुलिस हो या प्रशासन हो, उसे पदाधिकारियों से, वाइस चांसलर से या प्रो वाइस चांसलर से या एडमिनिस्ट्रेटर से किसी से परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई। और ये एक तरह की लूट है, छापामारी नहीं है। जिन किताबों को वो बरामद होना बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम हुआ है कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ियां घुस रही थी, उनमें पहले से कार्टन्स और भरे हुए बोरे मौजूद थे। ये उन्होंने खुद लाइब्रेरी के अंदर रखी और लाइब्रेरी से बरामद की। और आजम खान के निजी विश्वविद्यालय के खाते में विदेशों से दान मिलने से संबंधित कथित धन शोधन के आरोपों की जांच ईडी कर रहा है। ईडी ने रामपुर पुलिस से आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों की सूची मांगी थी। यूनिवर्सिटी में छापेमारी का विरोध करने के चक्कर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया था। कई वर्ग किलोमीटर में बसी अली जौहर यूनिवर्सिटी साल 2006 में आजम खान ने शुरू की थी।